विगत दिनों हुए चेन स्नेचिंग मामले में पुलिस ने आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस दौरान सीएसपी ने बताया कि दिनांक 6 तारीख को रात 8 बजे चेतना मेहता पति विजय देव मेहता उम्र 60 साल निवासी ग्राम निम्बो थाना बावगढ़ जिला मंदसौर अपनी छोटी बहन सुषमा के साथ श्रीराम कॉलोनी साईं मंदिर पर दर्शन करने के बाद दोनों बहनें वापस अपने घर जा रही थी। साईं मंदिर के थोड़ा आगे रोड पर वर्धमान स्कूल के सामने करीब 8 बजे पीछे से दो लड़के पैदल चलकर आए। उसमें एक लड़के ने उसके गले से पहनी सोने की चेन जिसका वजन करीब 12 ग्राम की चेन को खींचकर भाग निकले, जिसमें फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नागदा में अपराध क्रमांक 556/18 धारा 392 भादवी की अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेन स्नेचिंग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 9/2018 की रात के 8 बजे की घटना है। एक चेतना मेहता महिला है, उम्र 60 साल की, वो साईं मंदिर में दर्शन करने गई थी तो 8 बजे आते समय उनकी चेन किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छीन कर भागा। इस प्रकार की आशय की उनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और अज्ञात आरोपी और माल मुलजिम की तलाश करी। तलाश करते करते इन बिटवीन मुखबिर द्वारा हमको ये बताया गया, सूचना मिली थाने पे कि फलाना फलाने व्यक्ति द्वारा ये घटना की गई है कि उसमें बबलू, सूरज, हिमांशु और इब्रूस इन चार लोगों के नाम आए। उस आधार पर हमके द्वारा सबसे पहले हमारा स्टाफ गया, उन्होंने बबलू को पकड़ा, बबलू को पकड़ने के बाद फिर सूरज को पकड़ा, सूरज को पकड़ने के बाद फिर इब्रूस को पकड़ा और फिर हिमांशु तक जब तक घर पहुँचे तो वो भग गया था। उस हो सकता है जब हम लोग पहले अटेंड कर रहे हों तो वो उसको खबर लगी हो, वो एब्सकॉन्ड कर गया, बाहर चला गया, भाग गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने थाने बुला के इनसे पूछताछ करी हिकमत अमली से स्टाफ ने, तो इनके द्वारा वो चेन स्नैचिंग की वारदात कबूल करी और चेन के बारे में पूछा तो बबलू के पास चेन होना बताया और ये भी बताया कि बड़नगर के व्यापारी से उनकी बात चल रही थी। उन्होंने उसको ये बताया था कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सूरज ने बात करी थी कि हमको एक चेन रखनी तो हमें पैसे की आवश्यकता है। जब ये इनकी बात ही चल रही थी तभी हमारे मुखबिर द्वारा हमको ये खबर दी गई कि इनके द्वारा वारदात की गई है। इस प्रकार से इन तीनों आरोपियों को पकड़ा है और बबलू के मुताबिक मेमोरेंडम के चेन बरामद करी और हिमांशु को अभी फरार चल रहा है तो उसके लिए भी टीम लगी हुई है और हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। सर आपको ये चीज़ पहले से बता दें कि ये पहली घटना है इनकी। वो इन्फॉर्मर ने हमको दो लोगों के नाम बताया, फिर दो लोगों से पूछताछ करके मैंने बताया जैसा कि हिमका कमली से हमारे स्टाफ ने पूछताछ करी, फिर ये पूरी गैंग का खुलासा हुआ। सर मुखबरी की सूचना घटना के उसी दिन हुई थी, जानकारी मिली थी कि उससे नहीं अभी खबर लगी तब तो उनको घेराबंदी करके पकड़ा और इसको पकड़ने में यहाँ पे हमारे TI साहब और इनकी टीम जो है जादौन साहब और विशेषकर दो आरक्षक मनोहर और ईश्वर, इन लोगों का उल्लेखनीय कार्य रहा है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये पूरी टीम को इनाम देने की घोषणा की है। 5,000 रुपये इन दोनों सिपाहियों को और 5,000 रुपये शेष टीम को इनाम से पुरस्कृत कर किया जाएगा।